कांग्रेस द्वारा इन दिनों महंगाई को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महंगाई किसी को अच्छी नहीं लगती। आज पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है। भारत की विदेश नीति सर्वश्रेष्ठ है। अभी हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित अन्य कांग्रेस समर्थित राज्यों की सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों के वेट को कम नहीं किया है। इस कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। यह महंगाई टेम्पररी है, युद्ध समाप्त होते ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार। देखिए, महंगाई किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल का जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। वो ये देखती है कि महंगा अगर कुछ हुआ है तो उसके पूरे सर्कमस्टेंसेस क्या है। आज जबकि पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, 7.5% महंगाई दर जिसको इन्फ्लेशन हम बोलते हैं वो आज अमेरिका की है। आज हमारे जो भारत की जो महंगाई दर है वो इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास है, जबकि ISO ने ये बोला हुआ है कि 6% के आसपास जो महंगाई होती है वो मतलब जस्टिबल वो होती है, वो मतलब ठीक ठाक होती है, लेकिन दूसरी जगह बहुत ज्यादा महंगाई है। आज आप ये देख लीजिए, 200 रुपए लीटर हमारे पड़ोसी देश में 200 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। श्रीलंका में 8-8 घंटे बिजली नहीं है। वहां पर पाकिस्तान की यह हालत है कि उसकी सरकार गिरने को आ गई है अमेरिका के हस्तक्षेप से। अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है और हमें डीजल पेट्रोल क्यों मिल रहा है? हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे को डीजल पेट्रोल मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं जिसमें 10-15 दिन हो गए हैं जो डीजल पेट्रोल पब्लिक आम पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट खजाने के लिए है। इसीलिए कि हमारी जो विदेश नीति है, मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे जबरदस्त है। आज आप GDP की बात करते हैं, आज GDP जो है हमारी GDP की जो ग्रोथ है आफ्टर कोरोना ये सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। तो आप ये सोचिए कि कहां कहां कंपनसेट किया जा रहा है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस को ये पहले पूछिए कि आप पहले वेट अपना कम क्यों नहीं करते हैं? महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे ज्यादा कीमत क्यों ज्यादा है? 112 रुपए और 116 रुपए क्यों है पेट्रोल की कीमत? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्यों और गुजरात में क्यों कम है? क्यों कम है? क्योंकि उन्होंने अपना वैट कम कर दिया है। उनका वैट जो है वो 20% से नीचे है, इनका 30% से ऊपर है। छत्तीसगढ़ का 25% के आसपास वैट है, वो कम क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले आप वैट कम कर, लेकिन हल्ला मचाना है। क्यों हल्ला मचाना है? क्योंकि 5 राज्यों में उनकी करारी हाल हुई है, उसको ढकने के लिए ये हल्ला मचाना है। जबकि ये सब जानते हैं और हमारे को कांग्रेस पार्टी या किसी भी दल को ये समझाने की जरूरत नहीं है। हमको जनता से मतलब है और जनता ये बखूबी से जानती है कि ये महंगाई क्यों हो रही है और ये टेम्पररी है कि परमानेंट है। ये टेम्पररी महंगाई है, जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा वैसी जो कीमतें हैं वो अपनी सामान्य हो जाएंगी। कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि मतलब मिथ्या है और बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो गांव है खैरागढ़ में, उसके कारण वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। एक मुद्दा मिल गया है उनको, वो जनता सब समझती है।